So dear friend, I want to start now previous year gate examination question. तो पहला क्वेश्चन बेटा जहन में आता है कि सर अभी इसकी नीड है क्या. सो डेफिनेटली माई डियर फ्रेंड वी रिक्वायर ओके द सोल्यूशन और द हैंडलिंग अप्रोच ऑफ द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स. व्हाई सी दिस सब्जेक्ट इज रियली वेरी बेसिक सब्जेक्ट ना सर्किट थ्योरी. तो यहां पे बालक जब हम बात करते हैं कि हमारे छोटे छोटे कंसेप्ट रिलेटेड टू वी कैन से केसीएल केवीएल एंड ओम्स लॉ अगर अच्छे नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम लोग कुछ बड़े सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन एंड ईएमटी एंड वी कैन सो आल्सो से एनालॉग पावर टोनिक्स इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम मेजरमेंट तो इन सब्जेक्ट को कैसे डील कर पाएंगे. सो इन सब चीजों को नजर में रखते हुए आई हैव थॉट दैट वी हैव टू प्लान अबाउट द प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑल्सो. क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैंडल नहीं किए. तो मैं चाहता हूं हर चैप्टर से अराउंड 50% प्लस क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं. ये सारे ही क्वेश्चन रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा ओके. जैसे काफी बच्चे होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो उनका मन नहीं है तो ऑब्वियसली दे कैन स्किप. बट इफ यू आर फ्रेशर इफ यू आर न्यू देन यू हैव टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन. बट इंटरेस्टिंग थिंग एट दिस मोमेंट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू और वो ये है बेटा कि यहां पे हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक लगा पाए हाई एक्यूरेसी हो एरर ऑलमोस्ट ना आए ओके एंड प्लस मिनिमम स्टेप में मिनिमम टाइम में क्वेश्चन डील हो पाए. तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है गेट 2003 टू मार्क्स प्रॉब्लम एंड इन दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स पी एंड क्यू. सो लेट्स स्टार्ट दिस जॉब हाउ वी कैन कैलकुलेट. सी जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले उसको पढ़ो बहुत ढंग से. मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ढंग से पढ़िए. सॉरी जो भी पॉइंट मैं इस मोमेंट आपको बता रहा हूं उनके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिएगा ओके. मैं ऑलमोस्ट बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 सब्जेक्ट आपको करवाऊंगा धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ाएंगे. तो देखिए जब से सबसे पहले क्या पूछा गया वीपी क्यू. तो क्वेश्चन देखिए अभी फिलहाल में फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वीपी क्यू. वीपी क्यू माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट ओके सम पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से वोल्टेज और वी कैन से वोल्टेज. अब एक नजर डालिए आप क्वेश्चन पे दिस वोल्टेज इज द वोल्टेज ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स और इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और द वोल्टेज डिफाइंड एट सम पर्टिकुलर नोड. सभी में फर्क होता है सभी में फर्क होता है. यहां पे देखिए ये नोड का वोल्टेज है और जब भी कोई आपसे नोड का वोल्टेज पूछेगा बेटा तो डेफिनेटली वो सर्किट में ग्राउंड देगा दैट मींस रेफरेंस पॉइंट देगा. सो व्हेनेवर प्रोफेसर वांट टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस दैट प्रोफेसर वांट टू मेजर अक्रॉस द टू नोड्स then it is mandatory that he or she will provide you ground or reference point. Okay, so first thing, ground or reference point is already given in the question. So with respect to this point, we have to calculate VPQ. Okay, if someone will change the reference point or location, then definitely VPQ will also change. तो ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई question handle करें. Okay, तो चलिए start करते हैं. VPQ we have to determine. And obviously, reference point is already given. अब reference point दिया है तो जरा देखते हैं इसको. Another interesting story. At the same moment, see my dear friend, we are having one 2 ampere DC current source. जैसे कि in general problem आज तक छपी है मुझे नहीं idea कि दोनों AC हैं कि दोनों DC हैं. But अभी फिलहाल में जब एक AC एक DC है तो यही ही मानते बेटा कि current source is DC and voltage source is AC. नो डाउट इतना एग्जामिनेशन में हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है बट इतना तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है. सो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड दिस एसी सिग्नल विल नॉट ऑपरेट एट 0 हर्ट्ज एंड बट दिस सिग्नल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स सिग्नल विल ऑपरेट एट 0 हर्ट्ज. सो वी आर हैविंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से माय डियर फ्रेंड नाउ वी हैव टू अप्लाई सुपर पोजिशन थ्योरम टू कैलकुलेट वीपी क्यू. बट अगेन एग्जामिनेशन में ही ये भी सोचना है
सुपरपोजिशन अप्लाई करना मतलब टाइम लगभग डबल कर देना, टाइम लगभग डबल कर देना। तो आपने कहा सर फिर, मैंने कहा एक बार और देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस, एंड माय डियर फ्रेंड रेजिस्टेंस विल इंडिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि एसी लगा हो या डीसी लगा हो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता या दोनों लगे होते तो वी कांट हैंडल विदाउट सुपरपोजिशन थ्योरम। रीजन वन डीसी सिग्नल, अनदर इज एसी सिग्नल। हम अगर बच गए तो उसका कारण है कि इसमें कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो नाउ विदाउट सुपरपोजिशन थ्योरम जस्ट बाय केसीएल केवीएल वी कैन हैंडल दिस सर्किट। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। तो ये पहली स्टोरी है। अब जरा केसीएल केवीएल पे बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर देखिए इसमें एक करंट है, वोल्टेज है, सो ऑन है, हमें VP and VQ फाइंड आउट करना है। जब हमें नोड का वोल्टेज ही फाइंड आउट करना है, केवीएल लगाए तो गलती हो सकती है, हमें नहीं पता उतना सर्किट थ्योरी, तो बेस्ट है वही रूल लगाओ ना जिससे डायरेक्ट आंसर आए, अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा जब हमें वीपी और वीक्यू ही निकालने हैं तो बेस्ट अप्रोच इज नथिंग बट केसीएल, ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हियर वी कैन अज्यूम सम वोल्टेज वीपी एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हियर वी कैन अज्यूम सम वोल्टेज वीक्यू। ओके, नाउ सी हियर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाउ मच वोल्टेज बेटा इज नथिंग बट 10 वोल्ट। अब दो इक्वेशन, दो अननोन हैंडल कर देते हैं। सो केसीएल एट दिस नोड, ध्यान देना KCL at this node और KCL at this node, हमें क्या क्या पता करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें पता करना है VP and VQ। इसके लिए बेटा मैंने पहली एक इक्वेशन लिखी KCL at node 1, कैसे लिखते हैं इसको, हाई अज्यूम कर ले तो VP minus 10 by 2, फर्स्ट एक बेटा VP minus 10 by 2, VP minus 10 by 2, ये examination में करना है इतना आपको, then बेटा VP minus 0 by 8, so here we can write VP by 8, okay, then my dear friend, current is here, this current is going to be leave, okay, and you assume this potential is higher, तो बेटा leaving का मतलब positive, तो क्या लिखें, plus 2 is equal to 0, done, VP minus 10 by 2, VP by 8, and plus 2 equal to 0, now बेटा we want to apply KCL at node 2, ताकि दूसरा वेरिएबल भी पता हो जाए। आपने कहा रुको सर, अगर केसीएल नोड 2 पे लगाएंगे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट बेटा इन बिटवीन दिस नोड एंड रेफरेंस वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और जहां भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है नाउ वी हैव टू अज्यूम सम न्यू करंट बिकॉज वी आर अप्लाइंग केसीएल ऑब्वियसली यार। सो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग केसीएल इफ एनी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ideal voltage source is going to be appear in between two nodes, then ignore that one if it is possible again. Otherwise, some variable will increase in the system. तो आपको examination में ही सोचना है कि हाँ sir, two पे लगाए तो problem आ जाएगी, इसमें current माननी पड़ेगी तो variable बढ़ जाएगा। और हमें क्या चाहिए बेटा, VP and VQ, एक equation already आ चुकी है, and fortunately ये VP की equation आई है, तो फिर VQ क्यों ना पता कर लिया जाए direct? So now don't apply KCL at node 2, otherwise number of variable will increase. So next consider node 3. So first identify this VP, ताकि हम लोग यहीं पे handle करते इसको. So ये हो गया बेटा VP by 2, that means 0.5 VP and VP by 8. So just give me a few seconds. 8 inverse is plus 0.125 VP, okay? And minus 10 by 2 is minus 5. Okay, minus 5 and plus 2 is equal to 0. So, this value will be plus 0.5. So, 0.625. So, 0.625 VP is equals to, my dear friend, 3. Okay, minus 5 plus 2. So, minus 3 is equal to 3. So, 3 by answer. Okay, it is coming 4.8. So, VP value is coming, my dear friend, positive 4.8 volts. Hopefully, this story is clear. Hataye is point ko. Aage badhte hain, new thing. And now, my dear friend, we have to calculate VQ. Again, KCL at this node. So, what is KCL equation? KCL at node 2. Sorry, KCL at node 3. We are not applying 2. Reason, aapko pata hai. Ab yahan se, beta, isko high maniye. So, what will be the equation? VQ minus 10
VQ minus 10 divided by 4 and then we have VQ minus 0 by 6. So, VQ by 6. Then my dear friend, this current is, but this potential we have assumed high. So, what will be the sign? Minus 2 is equal to 0. Now, just handle this equation. So, what will be this value of VQ? 4 inverse and 6 inverse. So, 4 plus 6 inverse. It is coming, my dear friend, I think 0.416667 something VQ. Okay. And minus 10 by 4 and minus 2. So, negative and negative. So, minus 2. Done. So, 4.5 is equal to 4.5 volts. Okay. So, now this VQ value will be 0.41666 something. 10.8. So, VQ is coming positive. Yeah, positive 10.8 volts. Positive 10.8 volts. Okay. So, hopefully this point is also clear. Now, what are VQ aa gaya and VP ye raha. So, what will be the VQ? Sorry, VPQ. So, VPQ is nothing but VP minus VQ. And now, VP is 4.8 minus 10.8 and it is nothing but minus 6 volt is our final answer. Is our final answer. Hopefully, this question is clear to everyone. तो ऐसे आपको एग्जामिनेशन में करना है, हर चीज को बेहतरीन तरीके से समझिए ताकि चीजें आपको बहुत परिपक्व तरीके से क्लियर हो और एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक ना हो. ओके, इसलिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स भी बोलता चल रहा हूं बीच में. नाउ माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अगेन गेट 2003 मार्क्स 2 प्रॉब्लम और 2 मार्क्स प्रॉब्लम एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट आर. देखो ध्यान से समझो, चाहे आप आर केवीएल से पता करो, चाहे केसीएल से पता करो और चाहे ओम्स लॉ से पता करो, आंसर तो सेम ही आएगा. चाहे सुपर मेश से पता करो, चाहे सुपर नोड से फाइंड आउट करो, चाहे स्टार डेल्टा से, इन अदर वर्ड्स बाय एनी रूल द वैल्यू ऑफ आर विल कम सेम. अब आप एग्जामिनेशन में बैठ गए कि हां सर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे तरीके हमारे जहन में आ रहे हैं, हम क्या अप्लाई करें, हम क्या अप्लाई करें. सो सी प्रॉपरली, इतने सारे सर्किट थ्योरी में जो रूल है उनमें सबसे छोटा रूल कौन सा है? ओम्स लॉ. सबसे छोटा रूल क्या है बेटा? ओम्स लॉ. V इक्वल टू जस्ट आई आर फॉर रेजिस्टेंस. अगर किसी रेजिस्टेंस की करंट गिवन है तो हमेशा सॉल्यूशन ओम्स लॉ से स्टार्ट करो. बट ये देख लो आपके पूरे सर्किट में क्या किसी रेजिस्टेंस की करंट गिवन है कि नहीं. अब ये आपको सोचना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे इस क्वेश्चन में आइए, आपने कहा सर ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, कहीं कुछ गिवन नहीं है. ओके चलिए एक बात. दूसरा यार ग्राउंड लो ना लो, ध्यान समझना, ग्राउंड लो ना लो, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होने वाला, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली वोल्टेज और करंट की सिवाय नोड वोल्टेज के. एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर रियली नॉट सीरियस टू कैलकुलेट नोड वोल्टेज. इसका मतलब हमारा रेफरेंस किसी भी तरीके से हमारे आंसर को डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो जहां भी आपका मन करे वहां रेफरेंस ले लो. तो हमने रेफरेंस ले लिया, क्यों? क्योंकि नोड वोल्टेज तो पूछा नहीं है, उसने पूछा था वैल्यू ऑफ आर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों ने यहां पे देखा बेटा, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन करो, हमने ये देखा कि 10 एम्पियर यहां लीव हो रही है, 5 एम्पियर यहां लीव हो रही है. एक पॉइंट, अगर यहां 10 है, ध्यान देना यहां 10 एम्पियर है और यहां 5 एम्पियर है, तो यहां कितना होना चाहिए बेसिक के लिए केसीएल? तो ये बेटा 10, ये 5, सो हाउ मच करें 15 एम्पियर. होल्ड कर दो. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आर? अगर बेटा हम यहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना वोल्टेज आया? 100 वोल्ट. और यहां सॉरी और यहां पे बेटा जी कितना आया? 40 वोल्ट. एग्री ना? 100 वोल्ट एंड 40 वोल्ट. डन करो. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 100 माइनस 40, सो प्लस माइनस 60 वोल्ट. अब बस क्या पता चल जाए, करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, सो V इज इक्वल टू आई आर, हम फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ द लास्ट टास्क इज नथिंग बट बेटा करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस. मान लो हम ये करंट मान लेते I, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R? सो अगर हम यहां पे सॉल्यूशन लिख दें और ऐसे लिख दें बेटा, I इज नथिंग बट 60 बाई R समथिंग. ओके एम्पियर हो गया. अब एक ही टास्क बेटा है बचा है, द कैलकुलेशन ऑफ I. कैसे किया जाए जरा देखते हैं. So see here बेटा, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, so how much current? 15 एम्पियर. Now resistance की current मिली और ये सबसे बड़ा positive point है. जैसी resistance की current मिले समझ लो खेला हो गया.
Now apply Ohm's law. See beta, in resistance current always flow from high to low potential. So 15 ampere, now current will flow in the downward direction. So polarity of voltage, top one positive and bottom one negative. Now by Ohm's law, we can say V is equal to IR. So I 15, 2 ohm. So what will be the voltage generated here? 30 volts. That, now with respect to ground, how much voltage will appear at this node is nothing but 30 volts. Okay, now next question. Sir, ye current calculate karna hai. To a simple beta point, yahan se 10 ampere aa raha hai, yahan se 10 ampere aa raha hai. Yahan ki agar current pata chal jaye 14 ohm ki, to hum ye wali current calculate kar sakte hain. Observation karna. तो देखो यहां पे कितना वोल्टेज है बेटा, इस जगह इस नोड पे इज नथिंग बट 100 वोल्ट और यहां पे 30. सो पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 30 इज 70. 70 बाय 14 इज नथिंग बट 5 एम्पियर. 17 बाय 40 इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड 5 एम्पियर हो गया. ये 5 एम्पियर, देखो 10 एंटरिंग 5 लीविंग, सो हाउ मच दिस करंट विल बी 5 एम्पियर एंड फॉर्चुनेटली इन द सेम डायरेक्शन. एक बार सेटिस्फाई कर देते हैं क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है या एक मार्क्स का, दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कहीं से भी रिस्क नहीं ले सकते हैं. ओके, नाउ दिस 5 एम्पीयर करंट बेटा विल कम हियर बिकॉज इन द सेम कंडक्टर करंट विल नॉट चेंज. सो 5 एम्पीयर डाउनवर्ड, 5 एम्पीयर अपवर्ड. सो हाउ मच करंट विल फ्लो हियर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 5 + 5 अकॉर्डिंग टू KCL. सो दिस करंट विल बी 10 एम्पीयर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, 10 एम्पीयर इन दिस डायरेक्शन, 5 एम्पीयर इन दिस डायरेक्शन, एडिशन ऑफ बोथ 15 और वही तो रिक्वायरमेंट थी. So now KCL satisfied, that means we didn't do any silly mistake. Hopefully this thing is clear. So what is the value of I? Is 5. Now put here, so I is equal to 5 is equal to 60 by R. So therefore R is equal to 60 by 5. Okay, so 12 panche 60, 12 ohm is the final answer. Check kariye, kuch kiya kya yaar, koi calculation kuch nahi, ye ek line likhi thi hum logon ne. और इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए इन द एग्जामिनेशन. ओके, अगर आप सही से चीजों को समझें, सो वी डोंट रिक्वायर लेंथी कैलकुलेशन इन द एग्जामिनेशन हॉल. जितना कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को उतना कम करिए. अगर मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन आप हैंडल करने जा रहे हैं, तो 50 में से अगर 20 क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन कम कर सकते हैं तो करिए उसको. बट इट्स रियली नॉट इजी जॉब टू रिड्यूस द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. फॉर दैट we have to do lot or great practice kind of, we can say. Jitni jyada practice, utni jyada error kam. Jitni jyada practice, utni calculation reduce. Aur jitna calculation ka bhar kam hoga, definitely accuracy utni high hogi. Okay, to hamesha koshish kijiye is type ki. Ab jaise aap koi, aap mein se koi yahan pe KBL laga deta, KCL laga deta, answer tab bhi aata, bas thoda lengthy ho jata. Okay, answer sahi bhi aaya, lengthy ho gaya, to bhi to hum piche ho gaye. क्योंकि इतना टाइम किसी बच्चे ने बचा लिया और उतने में वो कोई और क्वेश्चन निबेड़ देगा, एंड में हमारे पास टाइम की कमी पड़ जाएगी. तो कम से कम जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो छोटे सब्जेक्ट हैं, उनमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए. ओके, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई वांट टू पुट नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड. सी दिस इज द, ओके आई एम टेकिंग वेरी इजी एग्जांपल्स. ओके, सो दैट आप ये भी समझें कि गेट कैसे क्वेश्चन करता है और आप ये भी समझें कि इन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम देना है. ओके, नाउ वन मार्क्स प्रॉब्लम गेट 2005. ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, 1997 की, 98 की, ऐसा कुछ नहीं है. 2005 प्रॉब्लम, वन मार्क्स प्रॉब्लम, एंड अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. ये क्वेश्चन है, आप खुद ही समझिए बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें. अगर हमें आर कैलकुलेट करना है, व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर किसी रेजिस्टेंस की करेंट गिवन हो, तो सबसे नहीं होता, सबसे बेस्ट रूल इज नथिंग बट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन आ जाए तो ठीक है, कमी लगे तो केसीएल के भी लगा लो, बट स्टार्टिंग हमेशा ओम्स लॉ से करो. लेकिन कब कर सकते हैं? जब किसी रेजिस्टेंस की करंट गिवन हो. कभी कभी वो डायरेक्ट नहीं देंगे रेजिस्टेंस की करंट, लेकिन इनडायरेक्ट आपको दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, सी हियर, 10 पैरेलल 10 इज नथिंग बट 5 ओम. सो सी माय डियर फ्रेंड, अगर हम इसमें से एक रेजिस्टेंस कम कर दे बेटा, ध्यान से समझना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना यार. 10 पैरेलल 10, क्योंकि यहां पे तो कोई क्वेश्चन वो कर ही नहीं रहा है, यहां पे तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा है. नाउ बेटा 10 पैरेलल 10 इज नथिंग बट 5 ओम. 10 पैरेलल 10 इज नथिंग बट 5 ओम. अब क्या पूछा उसने? द वैल्यू ऑफ आर. क्यों नहीं बता पाओगे यार? सी वेरी इजी यार, हियर बेटा वी कैन अप्लाई जस्ट KVL, एक इक्वेशन छुटकी सी. सो 100 इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड आर प्लस 5 इनटू 8 हो गया.
सो इसको हैंडल कर दीजिए. सो व्हाट वी कैन राइट, 100 बाय 8 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू आर. ठीक है, सो हाउ मच दिस वैल्यू विल कम, बस इतना आपको एग्जामिनेशन में लिखना था, ना कोई जबरदस्ती का पॉइंट ना कुछ. ओके, देखिए आपके सामने. अच्छा, यहीं पे अगर आप चाहते तो दूसरा पॉइंट लिख सकते थे बेटा. सी 8 एम्पियर, यहां एक ग्राउंड ले लो, यहां पे 8 इंटू 5 इज हाउ मच वोल्टेज जनरेट, 40 वोल्ट. यहां से ग्राउंड 100 वोल्ट. सो हाउ मच वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस आर इज नथिंग बट 100 माइनस 40. सो दिस वोल्टेज विल बी 60 वोल्ट. So what will be the value of R? R is nothing but V by I. V is 60, I is 8, and that value will be 7.5 ohm. So either you can apply this one. जो ठीक लगे यार, दोनों एक ही बातें हैं. Okay, I think this question is clear. तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, गेट इतना भी टफ नहीं है जितना हुआ बना दिया गया है. यहाँ पे 30 से 35 नंबर इजिली स्कोर किए जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली स्कोरिंग मोर देन 75 मार्क्स और 80 मार्क्स इज रियली वेरी डिफिकल्ट जॉब. ओके, और बात वहीं से बनेगी, 30-35 नंबर से वैसे भी कुछ नहीं होना है. ये तो जस्ट ऐसे होता है कि हाँ कुछ आपको भी मिल जाए मार्क्स, उस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2010 टू मार्क्स प्रॉब्लम. ओके, इसको देखिए क्या फाइंड आउट करना है. अब आप समझ गए होंगे, जब भी आपको किसी रेजिस्टेंस की करंट गिवन हो तो सबसे पहले आपको ओम्स लॉ से खेलना है, फिर बाद बाकी बातें बाद में देखो. ओके, क्या पूछा है उसको बाद में देख लेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस की करंट. सी माय डियर फ्रेंड, 12 ओम 1 एम्पियर, कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ऑलवेज हाई टू लो. सो 12 इनटू 1 12 वोल्ट. अब जब यार सर्किट यही है, नोड की कोई बात नहीं कर रहा है, तो ग्राउंड भी ले लो. अब देखिए क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ आर, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सी हियर, हाउ मच करंट बेटा फ्लोइंग, 2 एम्पियर, यहां से ले आओ 2 एम्पियर, यहां पे कितना लीव हुआ 1 एम्पियर, सो यहां कितना पहुंचा बेटा 1 एम्पियर. तो करंट तो रेजिस्टेंस का मिल गया, बट नाउ वी रिक्वायर वोल्टेज. ग्राउंड आप ले चुके हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां कितना वोल्टेज है बेटा 6, और यहां से कितना पहुंचा बालक 12 वोल्ट. ओके, 12 वोल्ट, एंड करंट ऑलवेज फ्लो हाई टू लो, सेटिस्फाई भी हो गया. सो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस आर, 12 माइनस 6. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर इज नथिंग बट बेटा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय दिस करंट आई 1. सो दिस वैल्यू विल कम 6 ओम. ये एक नंबर यार आपका देख रहे, सॉरी 2 मार्क्स का, ये दो नंबर आपके, एक लाइन का आंसर था इसका. तो अगर आप ऐसी अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप समझ रहे ना, सब मैजिक है यार. बस ये एकदम से कूद मत जाओ यार, केवीएल लगाना है, केसीएल लगाना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम लगाना है. नहीं, आराम से कूल होके समझो पहले क्वेश्चन को क्या है. अगर किसी भी रेजिस्टेंस की करंट गिवन है तो पहले सोचिए अबाउट द ओम्स लॉ. अगर वो आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में कैपेबल नहीं है तो फिर अपनी अप्रोच को एक्सटेंड करो. नाउ यू कैन अप्लाई अदर मेथड्स आल्सो रिलेटेड टू सर्किट थ्योरी. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू पुट नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए गेट 2016, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे सर 10 में ऐसा आया था इजी. 2016 की बात हो रही है. नाउ 1 मार्क्स प्रॉब्लम, क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट वोल्टेज बताइए. अगेन एक जोक मानिए इसको, क्या गेट में ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ऑब्वियसली नहीं. ओके, ये मान के चलिए बेटा 12वीं का क्वेश्चन है. ओके, स्टैंडर्ड वाइज देखिए 5 एम्पियर. नाउ दिस इज द ओपन सर्किट नॉट टर्मिनल, सो हाउ मच करंट विल फ्लो हियर, 0 एम्पियर. क्या पूछा है बाद में देखते हैं, 0 एम्पियर. नाउ बेटा दिस करंट ऑब्वियसली विल फ्लो इन दिस फैशन, सो एवरीवेयर करंट विल बी 5 एम्पियर बिकॉज इट इज अ सीरीज सर्किट. नाउ एज वी नो दैट इन रेजिस्टेंस करंट ऑलवेज फ्लो हाई टू लो पोटेंशियल. So, अगर बालक ऐसे करंट 5 एम्पियर फ्लो होगी तो दिस साइड विल बी पॉजिटिव साइन एंड दिस साइड विल बी नेगेटिव साइन. सो 5 इनटू 2 ओम्स लॉ इज नथिंग बट 10 वोल्ट. अब पूछो क्या पूछना है, वो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज चाहिए, क्या कर दें. एक तो ग्राउंड ले लें, सीधे सीधे बता दें, तो चलो एक ग्राउंड ले लेते हैं. ये ग्राउंड लिया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पर वोल्टेज कितना पहुंचा एट दिस लोकेशन, ऑब्वियसली वी आउटपुट. ओके भाई, ये सीधे सीधे यहां पहुंच गया, कोई ड्रॉप नहीं है, we out. Now what we can write बेटा, ground के respect में ये कितना है 10 volts. So can we write this potential difference equation, 10 minus V naught or V out is equal to this value is nothing but minus 10. Okay, from this side negative sign is coming. So what will be the V naught, 10 को इस side ले आओ. So V output is nothing but 20 volts. एक line यार,
2016, और एक नंबर से कितनी रैंक में वेरिएशन होता है ये आपको अच्छी तरह पता है, मतलब एक सिली मिस्टेक जल्दबाजी में एक नंबर आपका गायब। ओके, दूसरा तरीका नहीं कर रहा है सर इतना ये सब सोचने का, तो सिंपल एक वे बेटा, एक केवीएल इक्वेशन तो ये लूप में परफॉर्म कर ही सकते हैं, एंड एज वी नो दैट केवीएल इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ओपन सर्किट। ओके, तो ओपन सर्किट में लगा दीजिए आउटर लूप में। नाउ सी व्हाट विल बी द केवीएल इक्वेशन। सो केवीएल इक्वेशन माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट -10, ध्यान दो, -10 अगेन -10 एंड -10 प्लस वी आउट, प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। सो वी आउट माय डियर फ्रेंड इज नथिंग बट 20 वोल्ट्स। नो, अनडाउटली मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, बट फिर से मैं आपको बता रहा हूं यही गेट है, ये भी एक गेट का पार्ट है, सारे क्वेश्चन गेट के हैं, इन्हें भी हैंडल करना आना चाहिए, बट इन क्वेश्चन का सही आंसर आपको अच्छी रैंक नहीं दिलाएगा बेटा। ओके, फिर से समझो, इन क्वेश्चन का सही आंसर सिर्फ आपको अच्छी रैंक नहीं दिलाएगा, इन क्वेश्चन का सही आंसर विद इन और वी कैन से लेस देन 10 सेकंड आपको सही रैंक दिलाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन डील करने में आप 25 सेकंड ले लेते हैं, 40 सेकंड ले लेते हैं, एक मिनट ले लेते हैं, तो आप पीछे हो गए हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपका कंपटीशन बेटा 10,000 के बाद नहीं है, 5,000 के बाद नहीं है, आप लाना चाहते रैंक अपनी अंडर 100, अंडर 200, तो उसके लिए फिर सोचो क्या यार ये क्वेश्चन वैल्यूएबल है, नहीं, लेकिन गलत हो गया तो मार्क्स तो कटेंगे, सही करना है और 10-15 सेकंड में करना है, ये भी ध्यान रखना है। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई वांट टू पुट लास्ट क्वेश्चन। ओके, द वैल्यू ऑफ करंट आई, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई, वी हैव टू कैलकुलेट गेट 2019 वन मार्क्स प्रॉब्लम। क्या है, आप देख रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन में अगेन जान नहीं है। क्या बोला मैंने बेटा आपसे कि यार जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट गिवन हो, स्टार्टिंग हमेशा ओम्स लॉ से। क्या पूछा गया है आई, चलो देखते हैं। देखो इस रेजिस्टेंस में करंट दी है आई, ओम्स लॉ लगा दो, प्लस माइनस 2 इनटू आई। नाउ बेटा आई एंटरिंग 2 एंटरिंग, सो हाउ मच करंट विल फ्लो हियर इज नथिंग बट आई प्लस 2, ये हो गया बेटा आई प्लस 2, ये हो गया डन। कितना ड्रॉप हुआ 3 इनटू दिस, तो ऐसे लिख दें 3 इनटू आई प्लस 2। ओके, एंड दिस इज वोल्ट, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको आई निकालना है तो क्यों ना आउटर लूप में ही केवीएल लगा दो, क्यों? क्योंकि जैसे समझाया था, जब भी आप केसीएल लगाते हो तो वोल्टेज सोर्स में करंट माननी पड़ती है, ऐसे ही केवीएल लगाते हुए करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज मानोगे, और वोल्टेज मान लिया तो वेरिएबल बढ़ गए, कोशिश करो वेरिएबल ना बढ़े। सो दिस इज काइंड ऑफ लूप, ओके, नॉट मैस एनालिसिस। सो व्हाट विल बी द लूप इक्वेशन, सो वी कैन से बेटा केवीएल इन दिस लूप। ओके, सी प्रॉपरली केवीएल इन दिस लूप, -20, ध्यान दो, -20 प्लस बेटा आई ओनली ना, सो प्लस टू आई डन, प्लस बेटा 3 इंटू आई प्लस 2, आई प्लस 2 एंड प्लस 5i इज इक्वल टू 0, ओके इज इक्वल टू 0। इसको डील कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है, ओके, तो 3 माइनस 20 प्लस 2i प्लस बेटा 3i प्लस 6 एंड प्लस 5i, एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना, सो 2i 3i 5i एंड 5i 10i इज इक्वल टू बेटा -20 प्लस 6, सो प्लस 14, ओके, सो i इज इक्वल टू 1.4 एम्पीयर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ओके, आई एम नॉट श्योर, ओके, वेदर माय कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, बट द थिंग इज क्लियर आई थिंक। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे ही अगला सेशन आपके लिए फिर से मैं लेके आऊंगा, बट बेसिक्स का। सो ऑल जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं 5 से 6 क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ऐसे ही हम लोग 6-7 क्वेश्चन और उठाते हैं ताकि एक बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसी रिकॉर्डिंग फैशन में हम लोग चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।